नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल है हमारा प्रीति कुमारी यादव का, जो कि जानना चाहती है कि बुटीक खोलने के लिए क्या फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ज़रूरी है, या मैं सिर्फ टेलरिंग सीख के खुद से कुछ डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया, सिलाई नहीं आती, टेलरिंग नहीं आती, कपड़े बनाना नहीं जानते, तब भी क्या आप बुटीक खोल सकते हैं, क्या आप प्रोफेशनल लेवल पर एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, या घर से ही अपनी कोई टेलरिंग शॉप या बुटीक शॉप शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मेजर बात होती है, बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि सिलाई के ऑर्डर्स, कस्टमर्स और ये सारी चीज़ें तो मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको मिल जाएगी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि पहला स्टेप क्या लेना है कि बुटीक हम कॉन्फिडेंस से खोल पाएँ और काम कर पाएँ। देखिए, दो बात होती है। सबसे पहली बात होती है कि आप बुटीक क्या चीज़ है, इसको समझ लीजिए। बुटीक का मतलब होता है शॉप। शॉप के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट भी बेच सकते हो और आप कोई सर्विस भी बेच सकते हो। तो बुटीक हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक टेलरिंग शॉप को भी बुटीक बोलते हैं, जो कि आम बोलचाल की भाषा में फेमस हो गया है कि बुटीक हम एक टेलरिंग शॉप को बोलते हैं, जहाँ पर कपड़ों की सिलाई की जाती है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सिलाई नहीं आती, तो आप ऐसा बुटीक खोल सकते हैं जहाँ पर केवल सिले हुए कपड़े बेचे जाते हैं, यानी रेडीमेड गारमेंट बेचे जाते हैं, या फिर जहाँ पर केवल जो कपड़े हैं, कट पीसेस हैं, या फैब्रिक पीसेस हैं, मटेरियल है इस तरीके का, या फिर एक्सेसरीज़ यानी कि ज्वेलरी, या कुछ हैंड बैग्स, या कुछ ऐसी चीज़ें बेची जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये चैनल है सिलाई का और आपने सवाल मुझसे पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि आपने सिलाई से रिलेटेड बुटीक के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक सिलाई की सर्विसेज देने वाला बुटीक खोलेंगे, जहां पर हम सिलाई की सर्विसेज दे सकें। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि आपको सिलाई टेलरिंग आती है थोड़ी बहुत, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो कितनी आनी चाहिए। देखिए, नंबर एक बात है, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आपको लंबा चौड़ा फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर आपको इंसिडेंट अपना बताऊं, तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स इस तरीके से किया था कि जब मैं इंस्टीट्यूट गई तो मैं जस्ट पता करने गई थी, और मुझे सिर्फ इतना भर सीखना था कि मैं अपने लायक कपड़े बना सकूँ। लेकिन कुछ बातों में उस तरीके से मैं उनकी बातों में मतलब मुझे अच्छा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि किस तरीके से वो फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, वो सब जान करके मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद बुटीक खोला, तो मुझे ये पता चला कि फैशन बुटीक खोलने के लिए आपको बेसिक बॉडी मेजरमेंट पता होने चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो आपको पता होना चाहिए, कि क्या किस तरीके से नाप लेते हैं, या बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के नाप में, लेडीज़ के नाप में, या आदमियों के नाप में, कद के हिसाब से, या चौड़ाई के हिसाब से, यानी वेट के हिसाब से किस तरीके से नाप घट बढ़ जाते हैं, किस तरीके से झुके होने की वजह से, यानी पोस्चर की वजह से यदि कोई झुक के बैठता है तो कैसे नाप में फ़र्क आ जाता है, और कोई थोड़ा तन के बैठता है तो नाप में कैसे फ़र्क हो जाता है। तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको कि कैसे शरीर है, इंसानी शरीर कैसे बनाए, और उसके नाप क्या क्या, किस सीक्वेंस में, किस तरीके से आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको इतना नहीं आता, आपने कभी इंच टेप इस्तेमाल नहीं किया, आपको नहीं पता कि इंचेस में क्या फ़र्क है, या सेंटीमीटर्स में क्या फ़र्क है, या इंच टेप कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो कोई फिक्र की बात नहीं, आप ओनर की तरीके से, मैनेजर की तरीके से सारी चीज़ों, अपने बुटीक में सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप उसमें ध्यान लगा सकते हो। नाप लेने के लिए आप अलग से टेलर मास्टर को, या फिर आप एक लड़की को रख सकते हो जो स्पेशली कस्टमर को असिस्ट करेगी और नाप लेगी, और उस नाप को
टेलर मास्टर कटिंग करेगा और फिर कारीगर उससे ड्रेस बना देगा। इसमें एक अलग तरीके का बुटीक सर्विसेज आप ये भी दे सकते हो कि आप अपने कस्टमर को डिज़ाइनिंग सारी, जैसे आपको टेलरिंग आती है, डिज़ाइन बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो, आप डिज़ाइंस अपने कस्टमर्स को सजेस्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपका टेलर मास्टर आपके आपके जो डिज़ाइंस हैं उनको बना देगा और कस्टमर को आप डिलीवर कर दोगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात जो ज़रूरी है कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, खासकर जब आप बुटीक शुरू करते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आपको एक ओपन माइंड रखना होता है, एक खुले दिमाग से आपको एक लर्निंग माइंडसेट में आना होता है कि हर दिन आप कुछ नया सीख रहे होते हो। हर दिन आपको पता चलता है कि अच्छा, कस्टमर को इस तरीके से डील करना है, इस एरिया के अंदर यानी आपके लोकेशन में किस तरीके के लोग रहते हैं, तो वो लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि ये भी गौर करने वाली बात है कि अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग सोशल स्टेटस के लोग, यानी जो मिडिल क्लास हैं या जिनके पास कम पैसे हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं या जो बूढ़े लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, जो टीनेजर्स हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो सारे अलग तरीके से उन सब का बिहेवियर होगा आपके बुटीक में आने के बाद। बेशक से आप सर्विस एक ही दे रहे हो, लेकिन लोकेशन आपके एरिया में लोगों का प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से उनकी आपकी सामान से, आपकी रिक्वायरमेंट से एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन पर ही हम फिर से आते हैं। तो क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन की, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना फैशन डिज़ाइनिंग का, डॉक्टर की तरह आपको कोई नंबर नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपको कोई फूड स्टॉल या फूड रेस्टोरेंट के अंदर कंपलसरी होता है कि फ़ूड चेकिंग होती है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेशन होने चाहिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। कपड़ा बंदों ने ऊपर से पहना है, हटा देना है, ठीक है, शरीर में तो जाना नहीं है, उनकी हेल्थ को तो कोई ज़्यादा नुकसान होना नहीं है। तो इसलिए आपको कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है या शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो अच्छा है, आपके कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके ऊपर भी और आपको भी थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको वो टाइम टाइम काम करते करते आ जाएगी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात होती है, नहीं जी मुझे तो करना ही है, तो कितना, कहाँ से शुरू करें, कितनी सर्टिफिकेशन आपको ज़रूरी है, कौन सा कोर्स आपको लिए ज़रूरी है, क्या आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपके पास कम टाइम है और चाहते हो कि आपको बुटीक अभी शुरू करना है लेकिन कम से कम शुरू करना है, तो देखिए नाप लेना सीख जाइए, ठीक है, कपड़े किस किस तरीके के होते हैं उनको सीख जाइए, क्योंकि कपड़ों के हिसाब से भी नाप, कटिंग, सिलाई, उस सब में फ़र्क आ जाता है। ठीक, कस्टमर से डीलिंग करना सीख जाइए, क्योंकि वो एक चीज़ सीख गए तो बाकी चीज़ें तो आप किसी और से यानी टेलर मास्टर से या असिस्टेंट से भी करवा लेंगे। तो कस्टमर से सही तरीके से कैसे डील करना है, कैसे उनकी ज़रूरतों को, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है, वो आपको जानना ज़रूरी है। फिर आपको बुटीक मैनेजमेंट कि कैसे सामान आएगा, कैसे डिलीवर होगा, वो सारा बुटीक मैनेजमेंट जानना ज़रूरी है। ये तो आपको बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए। अब आपको चाहिए सिलाई के अंदर क्या क्या चाहिए। सिलाई के अंदर डिपेंड कि आपके, आप किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप ब्लाउजेस ही बना रहे हो तो आप ब्लाउजेस से रिलेटेड थोड़ी जानकारी इकट्ठा कीजिए, ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, किताबों से भी कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड डिज़ाइन बुक्स हैं या उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आप सीखिए, समझिए नाप कैसे लेते हैं और क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है। और अगर आप फुल फ्लेज्ड फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप ये बात समझिए कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन सारी की सारी जानकारी फिर भी आप अपने बुटीक में इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान कर लीजिए कि क्या आपको इतनी सारी जानकारी, जिसमें बच्चों के कपड़े भी आपको सिखाए जाएंगे, एडल्ट्स, लेडीज़ के भी, टीनेजर्स के भी, जेंट्स के भी, घर के भी, और अल्टरेशन भी, मतलब तमाम चीज़ें, और वो सारी ड्राफ्टिंग, मतलब सारी चीज़ें, ड्राफ्टिंग और पूरा आपको एग्ज़ाम और सब कुछ कराना होगा, क्या आप इतना टाइम देने को तैयार हो
वो सब करने सीखने और तब अपना बुटीक शुरू करने के लिए। तो मेरे ख्याल से यदि आप छोटी शब्दों में पूछो या मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगी कि आप मिनिमम मेजरमेंट सीख लीजिए, डिज़ाइन बुक्स अपने पास कुछ रखिए, और सिलाई से थोड़ा बहुत अगर आप कोई किताब ख़रीद सकते हैं, stitchingmall.com पर मैंने कुछ किताबें फ्री या ख़रीद भी सकते हैं तो उनको आप रेफ़र कीजिए, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेप के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, सिलाई मशीन्स के बारे में क्या पता होना चाहिए। चैनल के ऊपर भी बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको स्टिचिंग मॉल पर, तो वो आपको एक सिस्टमेटिक किताब से सही से पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद फिर आप अपना बुटीक वन स्टेप करके छोटे से शुरू कर सकते हैं, और फिर आपको ज़रूरत लगती है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी छोटा सा कोई कोर्स करके, एक ब्रशअप कोर्स की बुटीक मैनेजमेंट का या बुटीक कैसे मैनेज करते हैं इस तरीके का कोई कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड है, मतलब बेसिक जो आपको पता होना चाहिए कि बुटीक के लिए आप कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और बुटीक आप आज से भी शुरू कर सकते हो, आपको सिलाई आती हो ना आती हो, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कस्टमर से ठीक से बात कर सकते हैं, उसकी बात समझ सकते हैं और उसको क्या चाहिए वो आप डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप सीखने को तैयार हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और जो आज का हमारा 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन था जो सोइंग वर्क फ्रॉम होम का, अर्न मनी सोइंग वर्क फ्रॉम होम, उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो बंद हो गए हैं 2 बजे, लेकिन फिर भी आप अगर स्टिचिंग मॉल के चैनल्स को सब्सक्राइब हैं, आप सोइंग वर्क फ्रॉम होम जो हमारा ग्रुप है आपने वो ज्वाइन किया हुआ है, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, पिंट्रस्ट पर, व्हाट्सएप पर, आप देख कहीं ना कहीं आप स्टिचिंग मॉल से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप आने वाली जो हमारी जो वर्कशॉप्स हैं, वेबिनार्स हैं, उसका हिस्सा बन सकते हो, और तब आप सीख सकते हो कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, और कैसे अपनी मतलब अपना काम बढ़ा सकते हो, कैसे घर बैठे सिलाई से पैसा कमा सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाने के लिए, हर उस महिला के तक पहुंचाने के लिए जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती है, और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो सिलाई से डर जो उसको है, सिलाई का, सिलाई मशीन्स का, उससे निकलना चाहता है और सिलाई से पैसे कमाना चाहता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सोइंग वर्क फ्रॉम होम की वेबिनार पर 1 दिसंबर को 11 बजे। सी यू, बाय।